Hello friend, welcome to my channel. Today I am going to show you how to curl your hair without using any curler or without using any heat. तो इस तरीके से बाल हम किस तरीके से घर पर ही कर्ल कर सकते हैं. उसके लिए जो है मैं कुछ रबर का यूज़ करूँगी. ये इस तरीके से कुछ रबर का यूज़ करेंगे और साथ ही कुछ पिन का यूज़ करेंगे. तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं. सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है मैंने अपने बाल नीचे नीचे के जो है गीले किए हैं और ये यहाँ पे तीन मैंने जो है रोल कर चुकी हूँ. इसके लिए जो है हम रबर और पिन का यूज़ करेंगे. अब मैं अपने बालों को अच्छे से सुलझा लेती हूँ. अच्छे से वो करने के बाद ये इसे हाफ कर लेंगे. थोड़े थोड़े बाल को हम करेंगे क्योंकि ज़्यादा बड़ी रबर जो है मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ. इस तरीके से ये रबर जो है ये वाली रबर यूज़ कर रही हूँ मैं. इसे हम बीच से ऐसा करके लूप बनाकर एकदम नीचे से बालों को राउंड करते हुए ऊपर तक ले जाएंगे. ऊपर की तरफ राउंड करेंगे. उसके बाद जो है बाहर की तरफ हम दोनों रबर के दोनों साइड वाले कॉर्नर को पिन लेकर इस तरीके से लगा देंगे. आप किसी भी पिन का यूज़ कर सकते हो. आपके पास जो पिन जो है वेस्ट हो जाती है वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हो. और यहाँ पे रबर और पिन का इस्तेमाल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि रबर और पिन तो सबके पास होती है. इस तरीके से और भी बालों को हम राउंड करेंगे अंदर की तरफ. ये अंदर की तरफ करके इसे बाहर की तरफ मोड़कर पिन लगा देते हैं. इसी तरीके से हम सारे बालों को राउंड कर लेंगे रबर का यूज़ करके. ये थोड़े थोड़े बाल लेके ये हम सारे बाल थोड़ा थोड़ा लेके फिर राउंड करते. ये इस तरीके से फाइनली लुक जो है इसे हम 4 से 5 घंटे तक सुखाएंगे जब तक आपके बाल कम्प्लीटली ड्राई नहीं हो जाते. देखने में अच्छा ही दिख रहा है. सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है अब मैं इसे ओपन करूँगी. ये मैंने 5 से 6 घंटे रखे हैं. मेरे बाल जो है कम्प्लीटली ड्राई हो गए हैं. अब इसे हम ओपन करेंगे. सो इसे देखिए हम आसानी से इजीली ओपन कर लेंगे. ये पिन जो है आपको बस ये पिन निकालनी है इस तरीके से. ये आप देख सकते हैं इसी तरीके से हमें सारी पिन निकालनी है. ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा रोल हुआ है. साथ ही साथ जो है मैंने इसलिए रबर और इसकी ये जो हेयर कर्ल करने की ये ट्रिक जो है मैंने इसलिए शेयर की क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इजी है और साथ ही
रबर और क्लिप तो हर किसी के पास होती है। इसी तरीके से हम सारी पिन को निकालेंगे। और आप अच्छे से इसे थोड़ा सा, सो फ्रेंड आप देख सकते हो ये बहुत अच्छे से कर्ल हो गए। अब आप इसे थोड़ा सा अच्छे से मैनेज कर लीजिए, आप जैसे हेयर स्टाइल चाहते हो। फ्रेंड्स यदि आप जो है ये ज़्यादा देर तक लॉन्ग टाइम के लिए कर्ल रखना चाहते हैं तो यू कैन यूज़ दिस हेयर स्प्रे। ये लॉरियल पेरिस का स्प्रे है, ये एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ और स्लीक प्रोटेक्शन के लिए है। इसको स्प्रे करने से आपके बाल जो है सेट रहते हैं, स्लिप नहीं होते हैं और एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ भी दिखती है आपके बालों की। सो फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और स्पेशली थैंक्स उन लोगों को जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है। मुझे पता है मेरे ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है अभी, पर प्लीज़ मेरा वीडियो देखने के बाद आप स्किप ना करें, एटलीस्ट कमेंट तो करें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। और यदि आपको मेरा वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स से और सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय।